या हाय फ्रेंड, मेरा नाम रोमिल त्रिपाठी है और बेसिकली आज जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि अगर आप अपना जो जो आपका पैसा है और जो आपकी मनी है, अगर आप जो टूल्स हैं SEO के जो टूल्स हैं, अगर आप उस पे स्पेंड कर रहे हैं और उससे जो डेटा निकल रहा है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता। और मैं ये कहूँगा कि आप SEO जो टूल्स हैं, जो पे टूल्स हैं, बिल्कुल इग्नोर ही करो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या, मैं तो कह रहा हूँ 20-25 हज़ार का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप डेली कर रहे हो ना, तब भी आप एकदम इग्नोर करिए। उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। सबसे मेन क्या होता है कि कीवर्ड एनालिसिस। कीवर्ड एनालिसिस गूगल का कीवर्ड प्लानर सबसे बेस्ट है। आप उससे पूरा डेटा आपको आ सकता है। अगर उसमें अगर आप कोई एडवर्ड का कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें पूरा डेटा आप एकदम एग्जैक्ट नंबर के साथ दिखा देता है। नहीं आपको वो तो ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा, नहीं तो आपके जो कंपटीटर हैं वो एकदम आइडिया पूरा एग्जैक्ट मिल जाता है। उन्होंने क्या क्या कीवर्ड कैटेगरी में जाओ, उनके उनके जो पेजेस बनाए हैं उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाता है क्या कीवर्ड वो यूज कर रहे हैं। तो अगर आप कीवर्ड एनालिसिस के लिए कोई पेड टूल ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। दूसरा आ गया कि आपको बहुत टेक्निकल एनालिसिस करना है, या जैसे मान लो सपोज करो आपको लोड टाइम का देखना, तो गूगल का पेज स्पीड सबसे बेस्ट है, वो आप यूज करिए। टेक्निकल एनालिसिस के लिए गूगल का जो सर्च कंसोल है सबसे बेस्ट है, उसमें आपको सारे टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएंगे। और मैं तो देखता हूँ कि जैसे टूल्स होते हैं, अब जैसे गूगल का मान लो कोई टूल है तो कि गूगल सजेस्ट करता है कि टाइटल में 65 कैरेक्टर यूज होना चाहिए, तो बहुत सारे टूल में देखता हूँ कि वो अगर आपने उसमें 75 वर्ड यूज कर लिए करेक्टर, तो वो दिखा देगा नहीं ये गलत टाइटल टैग है। तो वो तो मैं समझ, वो तो देखो वो मशीन लैंग्वेज है कि अगर आपने 65 की जगह 70 यूज कर लिया तो उसका कोई वो नहीं है कि उससे कोई नुकसान है। हाँ, प्राइमरी आपका जो कीवर्ड है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए जिससे वो समझ में आए। तो सबसे मेन हो गया कीवर्ड एनालिसिस के मैंने बता दी, गूगल का कीवर्ड प्लान, टेक्निकल गूगल सर्च कंसोल सबसे अच्छा है। और आपको बहुत ज़्यादा और आइडिया लेना है ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है क्या नहीं हो रहा है तो गूगल एनालिटिक्स है, वो भी बहुत अच्छा है टूल। फिर आपको लोड टाइम देखना है मोबाइल, वो तो गूगल का पेज स्पीड बहुत अच्छा है टूल। और आप कमेंट भी कर सकते हो आपको कहाँ है बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल कर रहा है टूल, तो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से मैं जितना मैनेज कर रहा हूँ क्लाइंट, मुझे तो आज तक कभी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं कि पेड टूल का यूज करो। पेड टूल सिर्फ उनके लिए है कि आपका जो क्लाइंट है वो उसमें डेटा डाला, निकाल दिया कि ये कमियाँ हैं। ये कमियाँ अगर आप SEO हो, अच्छा आप SEO हो, तो आपको खुद ही मतलब आप वेबसाइट देखोगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या कमियाँ हैं। जैसे सपोज करो मान लो टाइटल टैग वो बता ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊँ जो टूल होते हैं वो आपको बता ही नहीं सकते कि क्या कीवर्ड यूज करने हैं एग्जैक्टली। वो तो आपको आइडिया होगा ना कि क्या आपको प्राइमरी कीवर्ड रखना है, सेकेंडरी कीवर्ड क्या रखना है। और अगर मान लो आप कंटेंट चेक के लिए मान लो टूल रख रहे हो, तो उसके लिए गूगल में आप सिंपल कॉपी पेस्ट करो पैराग्राफ, आप दिखा देगा गूगल का कंटेंट कहाँ से कॉपी पेस्ट है। तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। हाँ, अगर आप उन केस में यूज हो सकता है कि, लेकिन तब भी नहीं होगा। जैसे मान लो आप ऑनर हो, फाउंडर हो, आपने स्टार्ट किया, कोई टूल ले लिया, उससे आपको पूरा एनालिसिस मिल जाए ये करना है, लेकिन करना तो SEO वाले को ही है। तो वो मेरे हिसाब से कि आपको टूल इग्नोर करना चाहिए, पेड टूल, जितने फ्री टूल हैं बहुत अच्छे टूल हैं। और आपको सबसे ज़्यादा मैं जो अभी का ट्रेंड है, मैं एक प्लस पॉइंट बता दे रहा हूँ, फोकस करो जितने से ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जितनी ज़्यादा कैटेगरी कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हो उतना ही हेल्पफुल होता है SEO में। बहुत ज़्यादा आप टूल के चक्कर में मत पड़िए मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू।